देखिए ये मिठाई दिखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और इस मिठाई को हमने बनाया है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। और इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही हमें छेना बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही चीनी की चाशनी। उसके बगैर हम इस मिठाई को बनाकर रेडी करेंगे और दिखने में बिल्कुल जैसे कि हम दुकान से खरीद करके लाते हैं बंगाली मिठाई, सेम वैसा ही लग रहा है और इसका स्वाद भी वैसा ही लगता है खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं सिर्फ 5 मिनट में बन जाने वाली बिल्कुल दुकान जैसी दिखने वाली स्वादिष्ट मिठाई बनाना। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है ब्रेड। यहाँ पर आप फ्रेश ब्रेड का यूज कीजिएगा। तो 12 पीस मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिया है और अब ब्रेड को हम किसी भी ऐसे सर्कल यानी कि गोला आकार के ढक्कन से, आपके पास कुकी कटर है उसके हेल्प से आप इसे कट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से कट हो जाता है और इस तरीके का जो ढक्कन है हम सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को फटाफट से कट कर लेंगे और जो बाकी का पार्ट है इसका हम ब्रेड क्रम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे जो ब्रेड है उसे बढ़िया तरीके से कट करके रेडी कर लिया है और इसे हमें बेलना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे ही हम इसे कट करके पहले रख लेंगे। देखिए तो सारे ब्रेड को हमने अच्छे तरीके से कट कर लिया है और यहां पर मैंने ले लिया है दूध। ये नॉर्मल दूध है जिसे गर्म करके ठंडा कर लिया है, मतलब कि बहुत ज्यादा ठंडा दूध नहीं लेना है। और इसे मीठा करने के लिए हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए और फिर ठंडा होने के बाद 1 या 2 चम्मच चीनी का पाउडर डाल करके मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं कंडेंस मिल्क और दूध को बढ़िया से मिक्स कर ली हूँ और अब इस दूध के अंदर हम डालेंगे जो हमने ब्रेड कट करके रखा है उसे। उसके पहले मैं यहाँ पे जो फिलिंग अंदर हम डालेंगे स्टफिंग वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रेश मलाई ले रही हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच। ध्यान रखना है कि इस मिठाई के लिए हमें फ्रेश मलाई चाहिए, पुरानी मलाई का आप यूज मत कीजिएगा, नहीं तो जो मिठाई का स्वाद है वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। और इसे मीठा बनाने के लिए मैं डालूंगी 1 चम्मच चीनी का पाउडर। अगर आपके पास जो मलाई है वो काफी पतली है तो आप इसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा। और साथ ही में यहाँ पे बढ़िया कलर आए और अच्छा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे केसर वाला दूध डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा येलो वाला फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं, उससे बहुत बढ़िया कलर आ जाएगा, स्वाद में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने बढ़िया तरीके से मिला लिया है और अब इस मिश्रण को मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और जब इसे हम ब्रेड पे लगाएं तो ये फैले ना। और जो हमने ब्रेड कट करके रखा है उसे अब हम डालेंगे दूध के अंदर और दूध के अंदर कुछ सेकंड के लिए इसे हम रहने देंगे पलट करके, ताकि जो दूध है अच्छे से हमारा ब्रेड पी ले। ऐसा नहीं है कि उसे हमें डालना है और तुरंत निकाल देना है, कुछ सेकंड के लिए आप उसमें रहने दीजिए ताकि हमारा जो ब्रेड है वो अच्छा से सॉफ्ट हो जाए, अंदर तक इसके दूध जाए। तो अब अच्छे तरीके से ब्रेड ने दूध को पी लिया है, यानी कि दूध जो है ब्रेड के अंदर अच्छे तरीके से जा चुका है। तो जब आप इसे निकालेंगे तो बिल्कुल भी प्रेस मत कीजिएगा क्योंकि हमें इसका स्पॉन्ज चाहिए, जो दिख रहा है आपको जाली जाली वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सिंपली इसे हमें निकालना है और ऊपर इस तरीके से रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा दूध है वो इसका निकल जाए। तो इसी तरीके से सारे ब्रेड को हम फटाफट से दूध में डिप करके कुछ सेकेंड के लिए रहने देंगे और उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और जितना इसे दूध चाहिए उतना ये बढ़िया से अपने अंदर सोख लेता है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि दूध में से निकाल करके हमें इसे बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे ब्रेड को बढ़िया तरीके से दूध पिला दिया है, यानी कि दूध को अच्छे तरीके से ब्रेड ने सोख कर लिया है। और अब जो हमने मलाई रखा था फ्रिज में उसे भी मैं निकाल ली हूँ। अब जो ये मलाई है उसे हम चम्मच के हेल्प से 1 से 1.5 चम्मच इसके ऊपर रखते जाएंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी से जो ये मलाई है ब्रेड के अंदर तक चली जाती है और बिल्कुल भी ये साइड में नहीं गिरेगा। बस आपको इस पे 1 से 1.5 चम्मच ही डालना है मलाई को। तो सारे ब्रेड पे इसी तरीके से हम मलाई को लगा देंगे।
और अब लेंगे हम दूसरा स्लाइस जो कि हमने डिप करके रखा है दूध के अंदर, और इस स्लाइस को रखेंगे इस मलाई के ऊपर। बहुत ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, बस रख देना है और बहुत ही अच्छे से ये जो है सेट हो जाता है मिठाई। बहुत ज़्यादा आप अगर प्रेस करेंगे तो टूट जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हमारी जो मिठाई है वो। तो यहाँ पर हमने सारे ब्रेड स्लाइस को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, लेकिन ये अभी मार्केट जैसे नहीं दिख रही है, बनकर तो रेडी हो गई है। और लास्ट हमें करना है चाशनी ले लेंगे हम। तो मेरे फ्रिज में ये चाशनी थी, अगर आपके घर पे नहीं है तो आप आधा कप चीनी और आधा कप पानी डाल करके बढ़िया से चीनी को घुलने तक चाशनी तैयार कीजिएगा। एक तार या दो तार की नहीं करनी है, बस चीनी और पानी को घोलने दीजिएगा। और अब एक या दो दो चम्मच हम इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि जो ब्रेड का अपना फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए, और साथ ही में चाशनी डालने की वजह से ये मिठाई बिल्कुल आपको मार्केट जैसी लगेगी। तो यहाँ पर सारे ब्रेड स्लाइस के ऊपर हमने डाल दिया है चाशनी को, और अब इसे हम बिल्कुल मार्केट वाली मिठाई बनाने के लिए, यानी कि प्रॉपर जो बंगाली मिठाई होती है वैसे बनाने के लिए चांदी वर्क ले लिया है। अगर आपके पास चांदी वर्क नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको नारियल के बुरादे से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ऊपर से एक पिस्ता रख दूंगी कटी हुई, और दो केसर के धागे, और थोड़ा सा केसर वाला दूध। तो वाओ, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल, बिल्कुल जैसे कि मार्केट से हम बहुत महंगी महंगी मिठाइयाँ खरीद कर लाते हैं दीपावली में, सेम वैसी लग रही है दिखने में। और मुश्किल से ये 5 से 6 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है, और खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर हमने सारी मिठाइयों को बढ़िया से सजा करके रेडी कर लिया है। तो आप इस दीपावली पे या कभी भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप ज़रूर इस मिठाई को बनाइएगा, और कैसा बना था तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स द्वारा हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।